अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनएन उर्दू के साथ मैं हूँ ज़िल्कर नैन बशीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अर्से में प्राइवेट शोबे तालीम ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है, जिसकी एक वजह यकीनन सरकारी निज़ाम तालीम में मौजूद खामियां भी हैं। वालदैन की बड़ी तादाद प्राइवेट स्कूलों कॉलेज पर इक्तफा करती है, लेकिन इसके बावजूद उनके बहुत से प्राइवेट स्कूल्स के साथ गिले और शिकवे भी नज़र आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज चक्री रोड ब्रांच के प्रिंसिपल प्रोफेसर फैसल फारूक साहब। इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये बेहतर निज़ाम तालीम में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, वालदैन के जो गिले शिकवे हैं उनके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया है। हम आपके मसले मसाइल भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूछना चाहूँगा मैं कि एक तो क्या वजह है आपके नज़दीक के प्राइवेट शोबे तालीम ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है, और दूसरा आप वालदैन को क्या रिलीफ दे रहे हैं, चाहे वो फीसिस की सूरत में हो या फिर बेहतर निज़ाम तालीम के हवाले से हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू ज़ुल्करनैन भाई फॉर हैविंग मी। यकीनन एजुकेशन सेक्टर जो पाकिस्तान का है, उसके अंदर एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, और इसकी ग्रोथ के पीछे क्या फैक्टर्स हैं उसमें यकीनन मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उनमें सबसे बड़ा फैक्टर एज़ वी मैंशनड अर्लियर के गवर्नमेंट एजुकेशनल सेक्टर का परफॉर्म ना करना है, और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे कि वो प्रवर्ब है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो जब कहीं पर कोई स्पेस खाली होती है तो वहाँ पर स्पेस जो है वो दूसरे जो है वो काउंटर पार्ट को वो मिल जाती है। तो यही हुआ है यहाँ पर कि जैसे जैसे गवर्नमेंट सेक्टर का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो पुअर परफॉर्मेंस की तरफ गए हैं, और पर्टिकुलरली एक नेचुरल जो एवोल्यूशन है उसके साथ साथ अपग्रेडेशन का अमल जो है वो प्रोसीजर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो ये चीज़ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लैक की है कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट एजुकेशनल इदारों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, मॉडर्न टाइम्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको ऑप्ट नहीं किया है। इसी तरह से गवर्नमेंट का जो टीचर है उसका जो एटीट्यूड है या उसका जो बिहेवियर है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली, तो बहरहाल वहाँ पर वो लैप्सेस, वो लूप होल्स हैं जिसकी वजह से आए दिन जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। बाकी जहाँ तक बात कंट्रीब्यूशन की है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हालांकि प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी जो है वो बैशिंग का सामना करना पड़ता है, काफ़ी जो है वो हार्ड लाइन जो है वो उनको मिलती है, और बहुत सारी जगहों पर उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो बिजनेसेस हैं, लूट मार कर रहे हैं एंड ऑल एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एकेडमिकली अगर देखा जाए तो आप पाकिस्तान की जो कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, पिछले 10 साल से, चाहे आपके सिविल सर्विसेज हैं या आपकी डॉक्टरिंग फील्ड है या इंजीनियरिंग है, किसी भी प्रोफेशन के अंदर आपको चले जाएं, तो वो जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो प्राइवेट एजुकेशनल सर्विसेज जो हैं वो उनसे मुफीद होकर वहाँ पर पहुँचे हैं। एंड देन फाइनेंशियली मैं समझता हूँ कि बग़ैर किसी तफरीक के प्राइवेट सेक्टर जो है वो उन तमाम बच्चों की हौसला अफजाई करता है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस चीज़ को भी गलत रंग दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उन बच्चों के लिए ये एक विंडो है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी लेवल की एजुकेशन पर हैं, चाहे वो मैट्रिकुलेशन में हैं या वो इंटरमीडिएट कम्प्लीट कर रहे हैं, तो अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप की मद में फ्री एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दस्तयाब होती हैं। आई थिंक जो बहुत बड़ी बात है, हर तालीमी इदारे के अंदर अगर आप जाकर रिकॉर्ड चेक करें तो बेशुमार आपको वो स्टूडेंट्स जो कि बुनियादी तौर पर माशी तौर पर कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं, उनके वालदैन बिल्कुल भी इस काबिल नहीं होते फाइनेंशियली तौर पर कि वो उनके तालीमी अखराजात जो है वो बर्दाश्त कर सकें, लेकिन तालीमी इदारे जो हैं वो इन तालिब इल्मों को बड़ी अच्छी तरह से अकामोडेट करते हैं, और उनके 2 साल जो तालीमी प्रोग्राम होता है मुकम्मल तौर पर उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जहाँ तक मैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात करूँ, तो हमारा 5% कोटा जो है वो नीड बेस्ड
स्कॉलरशिप्स का होता है कि हमने अपनी जो एक एडमिशन पॉलिसी है, ये जो हमने टारगेट रखा होता है उसका हमने 5% जो कोटा होता है वो हमने नीड बेस्ड यानी कि डिज़र्विंग या पुअर स्टूडेंट्स के लिए हमने रिज़र्व किया होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। उसमें हम उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को हम काउंट नहीं करते हैं चाहे उनके जैसे भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, मतलब मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल वक्त के अंदर, महंगाई के वक्त के अंदर, अगर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि वो पढ़ नहीं सकते हैं या उनके लिए पढ़ाई बहुत मुश्किल है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेसलेस उनका एक्सक्यूज़ है। जो बच्चे अपनी स्टडीज़ के साथ कमिटेड हैं, जो पढ़ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए तालीमी इदारों के दरवाज़े हमेशा से खुले होते हैं और वो उनकी इनक्रेजमेंट के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम वक्त जो हैं वो तैयार होते हैं। इसके अलावा आपके सवाल का जवाब में आखिरी हिस्सा मैं बयान करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत सिक्वीज्ड हो चुकी है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब का असूल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो अगर इस सूरत हाल में प्राइवेट सेक्टर अगर यहाँ पर नहीं होगा तो आपके लाखों मिलियंस ऑफ द एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्स विल गो अनएम्प्लॉयड। तो आई थिंक कि इस सिचुएशन के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है, दिस इज़ इंडीड अ ब्लेसिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरीबॉडी जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करते हैं, तो उसके इमीडिएटली उनको जो है वो समवट किसी न किसी इदारे के अंदर उनको स्पेस मिल जाती है। तो इन दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर इज़ कंट्रीब्यूटिंग अलॉट। अच्छा, वालदैन की तरफ से जो एक बुनियादी मसला है वो ये है कि फीसिस बहुत ज़्यादा हैं और ये जो बेहतर तालीम का मियार है ये सिर्फ एक इलियट क्लास के लिए है। तो इसके लिए क्या 5% तो आप देते हैं मुस्तहकीन के लिए, लेकिन वो बहुत कम नहीं है? देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना। अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली या रैशनली या थोड़ा लॉजिकली अगर अंडरस्टैंड करें तो मेरा ख़्याल है कि ये इसको समझना आसान हो जाता है कि एक जो मिथ या एक क्लीशे जो बना हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सिर्फ वेल ऑफ फैमिलीज़ के लिए बना हुआ है। सिस्टम को अगर ऑब्जेक्टिवली आप अंडरस्टैंड करें तो आपको आपको फील होगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सिर्फ 5% ही नहीं है। हमारा स्कॉलरशिप प्लान जो है वो ग्रेजुअली हम उसको लेवल टू लेवल जो है वो उसको हम डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा 90% पर हमसे फ्री एजुकेशन ले रहा है फॉर 2 ईयर्स फॉर देयर होल प्रोग्राम, तो उससे नीचे जो कैटेगरी अगर 80-90 है तो उसको हम परहैप्स 25% ट्यूशन फीस पर सिर्फ हम अकोमोडेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो स्लॉट हमारे पास 70-80% आता है तो हम उनको परहैप्स 40% ट्यूशन फीस जो है वो ऑफ कर रहे होते हैं। और इसी ग्रेजुअल प्रोसेस में हम ऑलमोस्ट टू ऑल ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो है वो हम मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स की सूरत में हम अकोमोडेट कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक्सक्यूज़ जो है शायद ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीरियस नहीं है अपनी स्टडीज़ के साथ या जो कमिटेड नहीं है अपनी स्टडी, कुछ अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते और अपनी फेलियर को, अपनी फेस सेविंग के लिए वो ये एक एक्सक्यूज़ जो है वो प्रेजेंट करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो उन बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर रहा। बाकी ये कि इस हवाले से पेरेंट्स को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो तमाम बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कोई गवर्नमेंट जो है वो या गवर्नमेंट का कोई इदारा जो है वो उनको फ़ंड नहीं करता है। वो सेल्फ रिलायंट होते हैं, उन्होंने अपने फाइनेंसेस को सेल्फ उन्होंने सपोर्ट करना होता है, उनके ओवरहेड्स होते हैं। उन ओवरहेड्स को आपको अच्छा टीचर हायर करने के लिए आपको शायद, अगर हम अपने सिस्टम को या अपने इदारे को ही मैं सामने रखूं तो हम अपने टीचर्स को जो अच्छी जो ए कैटेगरी ए टीयर के अंदर आते हैं उनको हम शायद गवर्नमेंट के 17 स्केल का जो लेक्चरर है उससे भी ज़्यादा हम पे कर रहे हैं। तो अच्छे लेक्चरर्स प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी सहूलियात फ्राहम करने के लिए डेफिनेटली हमें जो है वो फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है। तो उन फाइनेंसेस को, उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हम जो है वो एक बैलेंस्ड किस्म का जो है वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम डिज़ाइन करते हैं और उसमें पूरी कोशिश होती है कि जो बच्चे उन जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं हम उनके लिए एक सपोर्ट जो है वो बनकर सामने आए। अच्छा, अभी कोरोना की वजह से काफ़ी अर्सा स्कूलों कॉलेजेस जो हैं वो बंद रहे हैं, इस दौरान यकीनन आपको भी बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ा है। वो मसले मसाइल क्या थे और क्या हुकूमत की तरफ से कोई तावन किया गया है इस मसाइल के हल में? बिल्कुल, कोरोना जो है वो इट हैज़ टर्न आउट to be a kind of nightmare not only for education sector but i uh,
आई रेकन फॉर एवरी सेक्टर। गवर्नमेंट को मैं तो ब्लेम नहीं करता और ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो इतने बड़े पैमाने पर या जितनी तादाद में प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं उनको वो सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी यकीनन वालदैन भी अपने तौर पर बहुत जिस लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट हुई है उनके अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो बाकी हमारे जो इश्यूज़ हैं वो भी बहुत गंभीर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के हालात में हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे के साथ तआवुन करके इन मसाइल का हल जो है वो तलाश करना है। यकीनन फाइनेंशियल एक डिसऑर्डर है ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से, डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से, तो मैं समझता हूँ कि वालदैन को थोड़ा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जो तालीमी इदारे हैं उनके ओवरहेड्स जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। अगर एक महीना अगर इदारा नहीं खुला तो यकीनन वो उनके ओवरहेड्स वो अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं, तो उन ओवरहेड्स को मीट करने के लिए उन इदारों को जो है वो फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है। बाकी इसमें हमने अपने तौर पर पूरी कोशिश की है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटैक्ट रखें, लोगों को अनएम्प्लॉयड ना करें, जिस हद तक पॉसिबल हो पाया हमने कोशिश की है। तो अब इससे आगे आई होप कि ये जो तारीकी के बादल थे ये छट चुके हैं और इंशाल्लाह हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इस हवाले से ज़्यादा मायूसी जो है वो नहीं उस पर बात करना चाहता, मैं एक पॉजिटिव होप के साथ और ऑप्टिमिज्म के साथ आगे जो है वो एक ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर मैं देख रहा हूँ। एंड आई बिलीव कि इंशाल्लाह इन द कमिंग टाइम थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर फॉर द पेरेंट्स, फॉर अस, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड फॉर द एम्प्लॉयड रिसोर्सेज एंड फॉर द कंट्री इंशाल्लाह। अच्छा, इस दौरान कोरोना की वजह से बहुत से तालीमी इदारे भी बंद हुए हैं और बहुत से प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स थे वो भी बेरोज़गार हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी बहाली के लिए हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है, या जो प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशंस हैं वो इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकती हैं? इंतहाई मायूस कुन सिचुएशन रही है, ख़ास तौर पर छोटे इदारों के लिए जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी या डिज़ास्टर बेयरिंग कैपेसिटी जिनकी लिमिटेड थी, या फिर वो इदारे जो न्यूली जिन्होंने स्टार्ट किया था। तो मैं समझता हूँ यकीनन ये वक्त जो कोरोना का इम्पेक्ट है ये उन पर जो है वो कंपैरेटिवली बड़े इदारों से उनके ऊपर ज़्यादा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे वालदैन को भी इस हवाले से इस सिनारियो को थोड़ा फेवरेबली सपोर्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई सपोर्ट एक्सटेंड कर सकती है तो उनकी थोड़ी सी सपोर्ट के साथ वो इदारे या उन इदारों के अंदर काम करने वाले लोग जो हैं उनकी जॉब जो है वो सिक्योर हो सकती हैं, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट जो है वो अगर सपोर्ट जो है वो अपनी ऑफर कर सकती है तो। अच्छा, इस वक्त हम जो बैठे हुए हैं इस एरिया को चक्री रोड कहते हैं, तो ये रावलपिंडी का मज़ाफ़ाती इलाका कहलाता है। आप जब यहाँ पर आए तो आपको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये पहला एक चैन सिस्टम स्कूल और कॉलेज था जिन्होंने यहाँ पे अपनी ब्रांच का आगाज़ किया है? कि मैं यकीनन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे जो है वो फीडबैक इसी तरह का दिया गया कि यहाँ पर ये एक रूरल जो है वो साइड है और पर्टिकुलरली यहाँ पर फाइनेंशियल कैपेसिटी लोगों की जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो लेकिन मेरा जो जो माइंडसेट है या मेरा जो बिलीफ है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं हर एक एडवर्सिटी को एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हालात मुश्किल हो वहाँ पर आपको आपका काम करना, आपका मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एक प्रोफेटिक प्रोफेशन का हिस्सा होते हुए, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ग्रांटेड एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे एक चैलेंज के तौर पर, इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इंशाल्लाह मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी मोटिवेटेड एंड वेरी कमिटेड विद दिस फैक्ट कि इंशाल्लाह आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट थ्रू माई सर्विसेज, थ्रू माई वर्क इन दिस पर्टिकुलर एरिया। और मेरा जो एजेंडा है, मेरा जो विजन है कि मैं उन जगहों पर या उन फैमिलीज़ के अंदर तालीम का जो दिया है वो रोशन करूं, उन जहनों को रोशन करूं, उन जहनों के अंदर वो इलम की रोशनी जलाऊं जिन जो पहले इस रोशनी से महरूम हैं। और मैं समझता हूं कि किसी भी कौम की तकदीर या किसी भी मुल्क की तकदीर जो है वो बदलने का एक ही रास्ता है, और वो
रास्ता है तालीम का, और इंशाल्लाह मैं बजाते खुद एज ए प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज एंड अलॉन्ग विद माई टीम वी आर ऑल कमिटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस, टू स्प्रेड क्वालिटी एजुकेशन एंड टू वर्क ऑन दोज एरियाज वेयर आर नेशन डायरली नीड्स. इंशाल्लाह वी विल बी ऑल अप देयर टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस पीपल, फॉर दिस एरिया एंड ओवरऑल फॉर आवर नेशन इंशाल्लाह. जी तो नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर फैसल फारूक साहब, ये सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चक्री रोड जो कैंपस है उसके प्रिंसिपल हैं. हमने अपनी तरफ से एक मुकम्मल कोशिश की है कि आपके वालदैन के जो भी सवालात थे वो हमने इनके सामने रखे हैं. इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं.